दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर आने वाले हैं। पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के विदेश मंत्री भारत के साथ कच्चे तेल के कारोबार और भुगतान व्यवस्था बदलने पर चर्चा कर सकते हैं। लावरोव की इस यात्रा के मकसद को लेकर माना जा रहा है कि ये छूट के साथ रूस से कच्चे तेल की भारत की खरीद पर आधारित होगा। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए भारत के साथ दो पक्षों के कारोबार के लिए भुगतान व्यवस्था को रुपए रूबल में करने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वार्ता के दौरान भारत की ओर से अलग अलग सैन्य हार्डवेयर और S-400 मिसाइल सिस्टम के कंपोनेंट की समय से सप्लाई कन्फर्म करने पर जोर भी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका को लावरोव की इस यात्रा के बारे में पता चला, तो भारत से पहले बातचीत करने के लिए अमेरिका ने अपने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह को भारत दौरे पर भेज दिया है। जी हां दोस्तों, ताकि अमेरिका भारत से रूस यूक्रेन पर बात कर सके। अब आप नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि दिलीप सिंह भारत के पक्षधर होंगे। बिल्कुल नहीं, दिलीप सिंह इससे बिल्कुल परे हैं। भारतीय मूल के सीनियर अमेरिकी अधिकारी और रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करने वाले दिलीप सिंह आज भारत दौरे पर हैं। और दिलीप सिंह का ये भारत दौरा अचानक हो रहा है और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत के साथ कई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। सबसे खास बात यह है कि दिलीप सिंह ने रूस पर प्रतिबंध लगाने में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन भारत ने रूस को लेकर जो नया स्टैंड लिया है उसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, दिलीप सिंह अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और भारतीय मूल के सीनियर अमेरिकी अधिकारी। व्हाइट हाउस ने दिलीप सिंह के भारत दौरे पर अचानक घोषणा की और दिलीप सिंह उस वक्त भारत के दौरे पर आ रहे हैं जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी भारत दौरा प्रस्तावित है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्पोक्स पर्सन एमली हॉर ने कहा कि दिलीप सिंह यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनफेयर वॉर के नतीजों और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके असर को कम करने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। हॉर्न ने कहा कि सीनियर अधिकारी बाइडन प्रशासन की प्रायोरिटीज पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के जरिए से ज्यादा मजबूत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का विकास शामिल होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के साथ क्या बात करेंगे दिलीप सिंह। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली के दौरे पर दिलीप सिंह भारत के साथ अमेरिकी प्रशासन में चल रही बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों पर रणनीतिक साझेदारी के कई मुद्दों को भी आगे बढ़ाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो एक साथ आर्थिक विकास और समृद्धि और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मिलेंगे। दिलीप सिंह की यात्रा के दौरान अगले महीने वॉशिंगटन में होने वाली 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत की तैयारियों पर भी विचार किए जाने की संभावना है। ये बातचीत 11 अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों की भारत यात्रा का मुख्य केंद्र यूक्रेन संकट हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आइए जानते हैं कि दिलीप सिंह आखिर हैं कौन। दोस्तों, आपको बता दें कि दिलीप सिंह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो राष्ट्रपति जो बाइडन के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। और रूस के खिलाफ अमेरिका किन तरह के प्रतिबंध लगाएगा और किस तरह से सख्त कार्रवाई करे, उस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। 46 साल के दिलीप सिंह अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए पहले एशियाई अमेरिकी दिलीप सिंह सोंड के परपोते हैं। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है और इस वक्त अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें खासतौर पर प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया गया था। दिलीप सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के करीबी माने जाते हैं और इस वक्त अमेरिका के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने के साथ साथ अमेरिका के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डायरेक्टर भी हैं। रूस के खिलाफ जब प्रतिबंध लगाने की बारी आई तो दिलीप सिंह को ही व्हाइट हाउस बुलाया गया था और उसके बाद से लगातार व्हाइट हाउस में एक्टिव है। जब दिलीप सिंह को व्हाइट हाउस बुलाया गया था, उस वक्त व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप सिंह को लेकर कहा
कि दिलीप सिंह की काफी ज्यादा डिमांड थी, इसलिए उन्हें बुलाया गया और वो जो बाइडेन प्रशासन की रूस नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद ही दिलीप सिंह रूस को लेकर काफी आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर चुके थे और अपने शुरुआती संबोधन में ही उन्होंने जाहिर कर दिया था कि रूस को लेकर अमेरिका की नीति कितनी सख्त होने वाली है। व्हाइट हाउस में उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त दिलीप सिंह ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण शुरू हो चुके हैं, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी स्पीड और हमारा कोऑर्डिनेशन हिस्टोरिकल है और हमने रातों रात जर्मनी का रूस के साथ काफी महत्वपूर्ण नॉर्ड स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन का काम बंद करवा दिया है। व्हाइट हाउस में दिलीप सिंह ने जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की लिस्ट तैयार की, उससे रूसी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होने की संभावना है और दिलीप सिंह ने तो चेतावनी देते हुए कहा कि ये कार्यवाही सिर्फ पहली किश्त है और अगर रूस फौरन अपने कदम पीछे नहीं खींचता तो हम ऐसे ऐसे और प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। वहीं भारत ने रूस से कोयले का इम्पोर्ट भी दोगुना कर दिया है, जिससे रूस की बदहाल होती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलने की कुछ ताकत रूस में आती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच रुपए रूबल ट्रेड को भी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं चीन और सऊदी अरब पहले से ही अपनी अपनी करेंसी में व्यापार शुरू करने की बात कर रहे हैं, जिससे डॉलर पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका तेज हो चुकी है। लिहाजा अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत और रूस के बीच रुपए रूबल समझौता हो और माना जा रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर भारत से बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दिलीप सिंह का अचानक भारत दौरा कई नई बातों को उठा सकता है और इसके बाद ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दौरा एक नई कहानी रचेगा। इसमें भारत फंसता है या दोनों देशों को समझा पाता है, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।